सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीईओ कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन इस तरह से अगर बातें होती है तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे अपना समझे, मैं विभाग को सही तरह से चला रहा चलाते रहूंगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। प्रकरण अभी जो प्रकरण हुआ है नीतीश कुमार के द्वारा आपके किए गए ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया, नहीं इसको प्रकरण नहीं कहा जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसी भी विभाग का वो समीक्षा कर सकते हैं। उनके पास सूचना मिला हुआ कि अधिक लोगों का तबादला कम समय में हो गया है, तो ये सही बात है कि कम समय वाले लोगों का तबादला हुआ है। तबादला का कारण होता है कि हमारे जिले के सभी डीएम किसी सीईओ के खिलाफ में प्रपत्र गठित करके भेजते हैं, वैसे सीईओ का भी तबादला होता है। अभ्यावेदन जो लोग बीमार रहते हैं या पति पत्नी जिनका कॉम्बिनेशन है कुछ जगह जाना है वैसे लोगों का भी होता है, और कुछ राजनीतिक दल के हम लोग कार्यकर्ता है राजनीतिक जीवन में है तो सब लोग विधायकों की बात सुनते हैं पैरवी सुनते हैं। वैसे हमारे एनडीए के तमाम लगभग 70 से 75 विधायकों का बात अनुशंसा था, जिसमें विचार करके योग्य जो होने लायक मुझको जो समझ में आया मैंने किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए की बैठक में पूर्व आज से 10 महीना पहले लोगों ने समस्या उठाया था कि हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, वीडियो सीईओ हम लोगों को नहीं मिलता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा भी हम लोगों को किया था कि विधायक के कहने पर ये उनकी जहां तक जेन्युइन बातें हैं समझ लेना है सुन लेना है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नहीं विधायक का अनुशंसा गलत है तो वो गलत ट्रांसफर है, अगर सही है तो सही ट्रांसफर है, तो समीक्षा की बात है, उन्होंने रोका है, समीक्षा के उपरांत सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई गड़बड़ की बात नहीं है, विभाग है, विभाग में परेशानी होते रहता है, लोगों का एक साथ सबका मन पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है, भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, उन लोग परेशान हो रहे हैं, वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बनाकर अपनी बात को कहीं ना कहीं रखवाते हैं, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी, चिंता करने की बात नहीं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे में अचानक से मुख्यमंत्री के द्वारा ये रोक लगाया जाना, अब इसको किसने दिया? कंटिन्यूअस नहीं, हम लोगों को अधिकार दिया गया माननीय सभी मंत्रियों को कि जून के महीने में वे अपने विवेक से लोगों का ट्रांसफर करेंगे, और जून के बाद जब भी ट्रांसफर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। किसी लोगों ने शिकायत किया होगा तो समस्या सामने आया होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मेरे विभाग के एसएस को कहा गया, एसएस ने मुझसे कहा कि आदेश माननीय का आया है, मैंने कहा बिल्कुल इसको आप कैंसिल करें रोके, और फिर समीक्षा होकर फिर पुनः 10 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर फिर बहाल कर दी जाए। विपक्ष का काम ही है बुराई पकड़ना, शिकायत बतियाना, गाली बकना, विपक्ष ने तो अपना अधिकार ही मान लिया है, इसीलिए विपक्ष की बातों में मुझे कुछ नहीं कहना है, विपक्ष अपना काम करे, सरकार अपना काम करती है, सरकार में हम हैं, सरकार के अंग हैं, सरकार की जो व्यवस्था कानून है उसको पालन और धर्म पालन करना मेरा धर्म है। सर आपके द्वारा जो जनता दरबार लगाया जाने की बात कही जा रही थी कि उसमें भी मेरे मन में भावना ठेस पहुंचा है, नो डाउट कि मैं जनता के बीच में रहता हूं, मैं कोई पौती में बंद नहीं रहता हूं, बंद कमरे में बंद नहीं रहता हूं, मैं महीना को सही माने बता दूं 30 दिन में मैं 15 से 20 दिन जनता के बीच में जनता दरबार लगाता हूं, चाहे वो मेरा प्रखंड लेवल का जनता दरबार हो, चाहे जिला लेवल का हो, आवास का हो, पटना पार्टी कार्यालय का हो, मेरे विभाग का हो, और जिस जिले में भी जाता हूं तो मैं सोशल मीडिया पे सभी विधायकों को मैसेज देता हूं, कार्यकर्ताओं को मैसेज देता हूं कि अगर कोई समस्या है तो लेकर कितना बजे आप आइए, उसके बाद मैं विभाग का रिव्यू करता हूं, उसमें अगर जनता के आवाज के द्वारा विभाग का ऑन रिकॉर्ड के द्वारा और सामने पूछताछ के दरमियान लगता है कि कोई सीईओ कोई कर्मचारी गलत कर रहा है तो मैं उस पर कार्रवाई करता हूं, और उसको धमकी भरे शब्दों में कहता हूं कि आप 2 महीना में नहीं सुधरोगे तो समय पर तुमको ट्रांसफर भी कर देंगे, तो कहीं वैसे भी लोगों का भी ट्रांसफर होता है, कहीं ऐसे परेशानियां होती है जहां पर लगता है कि मैं साल भर से जनता दरबार में पैरवी करता हूं, फोन जाता है उसका कंप्लायंस नहीं होता है, तो मैं मंत्री होने के नाते मेरे मन में भाव भी आता है कि लड़का काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रांसफर होना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये विभाग के मंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है, लेकिन इस तरह से अगर बातें होती है तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे अपना समझे, मैं विभाग को सही तरह से चला रहा चलाते रहूंगा, जनता दबाव नहीं लगाऊंगा। दबाव में रखने के लिए ये कदम उठाया, भाजपा किसी के दबाव में नहीं रहती है,
भाजपा के सभी स्वतंत्र विधायक सभी काम करते हैं, माननीय मंत्री काम करते हैं, जदयू के भी करते हैं। एक सरकारी व्यवस्था है, तंत्र है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। 365 दिन में एक दिन 30 तारीख को, ऐसे तो कहने के लिए जून में बदली माननीय मंत्रियों का अधिकार है, लेकिन मैक्सिमम लोग लास्ट टाइम में इसलिए करते हैं कि कल होगा कोई दूसरा प्रेशर नहीं आए, तो 30 तारीख को एक दिन हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बाकी तो मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ फाइल हम लोग बीच में भेजते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, तो समझेंगे कि दोबारा ट्रांसफर होगा, तिवारा ट्रांसफर होगा, और समीक्षा करने की बात है, समीक्षा में सब क्लियर हो जाएगा। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है, जैसे जमीन मिलता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है। तो राजनीति किसी का प्रश्न कुर्सी नहीं है, राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आ रहे इस विभाग को।